students, did you read lesson number 2 at home? Okay, now open page number 16 in your English textbook. Okay students, now pay attention in your textbook. Today I will explain you lesson number 2, Brave Bubbly. Bubbly is one of the 9 children of a poor man. बबली एक गरीब आदमी के 9 बच्चों में से एक थी. She saved 6 children from drowning in the river Ganga. उसने 6 बच्चों को गंगा नदी में डूबने से बचाया था. She got the Bapu Gyadani National Bravery Award on 25th January 2005 from the Prime Minister of India. उसको यानी बबली को 25 जनवरी 2005 को बापू ज्ञानदनी नेशनल अवार्ड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसे सम्मानित किया गया था. दिस इज हर स्टोरी, ये उसकी कहानी है. बबली लिव्स विथ हर फैमिली इन ए स्मॉल मड हाउस ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा. बबली अपनी फैमिली यानी उसके परिवार के साथ स्मॉल मड हाउस, छोटे से मिट्टी के घर में, मिट्टी से बनाए घर में गंगा नदी के किनारे रहती थी. बबली ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल बट शी कैन नॉट बिकॉज हर फैमिली हैज नो मनी फॉर द स्कूल फी. बबली का स्कूल जाने का सपना था परंतु शी कैन नॉट बिकॉज हर फैमिली हैज नो मनी फॉर द स्कूल फी. परंतु वो स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी फैमिली के पास स्कूल फी के पैसे नहीं थे. हाउएवर शी हैज फेथ इन हार्ड वर्क एंड इन गॉड. लेकिन उसको अपनी हार्ड वर्क यानी कि उसकी मेहनत पे और भगवान पे भरोसा था. शी इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड हेल्पफुल. वो हमेशा हंसती रहती थी और किसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी. शी ऑलवेज हेल्प्स हर मदर विथ वर्क इन द हाउस. वो हमेशा अपनी माँ को घर के कामों में हेल्प करती थी. इन द इवनिंग शी गोज टू वॉच द सनसेट ओवर द गंगा. इन द इवनिंग यानी कि शाम को वो गंगा नदी के किनारे सूरज को डूबता देखने के लिए जाती थी. शी लव्स टू सी द ट्विंकलिंग स्टार्स एंड द चेंजिंग शेप ऑफ द मून. उसको तारों का चमकना, ट्विंकलिंग स्टार्स यानी कि तारों का चमकना और चेंजिंग शेप ऑफ द मून, और उसको चांद का शेप चेंज देखना अच्छा लगता था.
30 June 2004 This date changed Bubbly's life forever. इस तारीख ने बबली की लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर दी. She was trying to finish her work quickly before sunset. वो अपना काम सनसेट यानी कि सूरज के डूबने से पहले खत्म करने की कोशिश कर रही थी. From time to time, she would laugh at the funny actions of the six young children playing nearby. वो अपने नजदीक में छह बच्चों को खेल रहे थे. उनके फनी एक्शंस को देख के वो हंस रही थी. Sometimes they chase each other, shouting and screaming. कभी कभी वो बच्चे एक दूसरे को चेज यानी कि एक दूसरे को पकड़ रहे थे and shouting and screaming. और वो shouting यानी कि चिल्ला रहे थे और screaming यानी कि screaming कर रहे थे. Sometimes they ran around a wooden vegetable cart with wheels. कभी वो वुडन वेजिटेबल कार्ट के व्हील्स के आगे पीछे उसके अराउंड दौड़ रहे थे. When they got tired of chasing each other, जब वो बच्चे एक दूसरे को चेसिंग करके थक गए थे, they climbed in onto the cart and started jumping and dancing on it. तब वो कार्ट पे चढ़ गए और एक दूसरे के और वो कार्ट के ऊपर कूदने लगे और डांस करने लगे. The cart was standing on a sandy slope. कार्ट सैंडी स्लोप पे खड़ी थी. सैंडी स्लोप यानी कि रेत वाला स्लोप था. द जंपिंग एंड डांसिंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑन द कार्ट रॉक इट डेंजरसली. रॉक यानी कि मेड इट शेक विथ ग्रेट फोर्स. वो बच्चे जंपिंग और डांसिंग कर रहे थे और वो बहुत जोर से शेक करने लगे. रॉक यानी कि शेक करना जोर से. सडनली द व्हील्स ऑफ द कार्ट स्लिप. अचानक से वो कार्ट के व्हील्स थे वो स्लिप हो गए. द कार्ट विथ द सिक्स चिल्ड्रन स्टिल ऑन इट स्टार्टेड रोलिंग डाउन द स्लोप टुवर्ड्स द रिवर. वो कार्ट जिसके ऊपर वो छह बच्चे थे वो कार्ट नदी की ओर रोलिंग होने लगा. द कार्ट फेल इनटू द वाटर विथ ए लाउड थड. वो कार्ट जोर की आवाज के साथ पानी में जाके गिरा. थड यानी कि द साउंड
थर्ड मीन्स द साउंड मेड व्हेन हैवी ऑब्जेक्ट हिट समथिंग एज द चिल्ड्रन स्टार्टेड स्क्रीमिंग विथ फियर. बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे. दे डिड नॉट नो हाउ टू स्विम. वो लोग तैरना नहीं जानते थे. बबली हर्ड देयर स्क्रीम्स एंड रेस टू द स्पॉट. बबली ने उनके चिल्लाने की आवाज सुनी और वो वहां पे पहुंच गई. मैनी ग्रोन अप पीपल क्विकली गैदर्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर बट नो वन ट्राई टू सेव द ड्राउनिंग चिल्ड्रन. मैनी ग्रोन अप पीपल यानी कि कई सारे लोग जो बबली से बड़े थे, ग्रोन अप पीपल, क्विकली गैदर्ड, वो लोग वहां पे नदी के किनारे आए, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बट नो वन ट्राई टू सेव द ड्राउनिंग चिल्ड्रन. परंतु किसी ने डूबते बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की. इट वॉज बबली हु जंप इन टू द रिवर. वो बबली थी जो नदी में कूदी एंड ब्रॉट टू चिल्ड्रन बैक सेफली टू द बैंक. और वो दो बच्चों को वहां से सेफली किनारे पे लाई. बच्चों आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि बबली कैसे डूबते हुए बच्चों को, ड्राउनिंग चिल्ड्रन यानी कि डूबते बच्चों को बचा रही है. देन शी जंप इन टू द वॉटर अगेन एंड सेव टू मोर चिल्ड्रन. फिर से वो पानी में कूदी और दो और बच्चों को बचाया. एज शी गॉट रेडी टू जंप इन टू द रिवर ए थर्ड टाइम. जैसे ही वो थर्ड टाइम यानी कि तीसरी बार जंप लगाने के लिए तैयार हो रही थी, हर ब्रदर केम रनिंग टू हेल्प हर. उसका भाई दौड़ता हुआ उसकी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए आया. देन दे सेव द टू रिमेनिंग चिल्ड्रन. तब उन्होंने बाकी के दो बच्चों को भी बचाया. द ब्रेव लिटल गर्ल हैड सेव सिक्स चिल्ड्रन फ्रॉम डेथ इन द वॉटर. उस छोटी सी ब्रेव लड़की ने छह बच्चों को पानी में डूबने से बचाया. Suddenly, little bubbly was a heroine. अचानक से वो छोटी बबली हीरोइन बन गई. A newspaper reporter wrote about her brave deed in the newspaper अमर उजाला. एक न्यूज रिपोर्टर ने बबली के बारे में, उसकी बहादुरी के बारे में अपने न्यूज़पेपर अमर उजाला, ये अमर उजाला एक न्यूज़पेपर का नाम है, उसमें उस रिपोर्टर ने उसकी बहादुरी के बारे में लिखा. ही आस्क्ड बबली'स फादर टू सेंड हर नेम फॉर द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड. उसने बबली के पिताजी को उसका नाम नेशनल ब्रेवरी अवार्ड में भेजने के लिए कहा. बबली won the national award and many other awards too. बबली ने नेशनल अवार्ड के साथ दूसरे कई अवार्ड्स जीते.
बबली इज स्टील द सेम सिंपल स्माइलिंग गर्ल। बबली अभी भी एक सिंपल हंसती हुई लड़की है। शी इज हैप्पी दैट शी कुड डू समथिंग फॉर अदर्स। शी इज हैप्पी, वो बहुत ही खुश है क्योंकि उसने दूसरों के लिए कुछ किया। शी इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ करेज, वो एक बहादुरी का चमकता हुआ एग्जाम्पल यानी कि उसका उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, डिड यू लाइक दिस स्टोरी? ओके, नाउ योर होमवर्क इज राइट दिस वर्ड मीनिंग्स ऑफ पेज नंबर 16 एंड 17 इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।